एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू स्मार्ट ब्यूटी। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आप अपनी आईब्रो को कैसे ग्रो कर सकते हैं। आईब्रो को घना बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, एलोवेरा जेल लेना है। आपको मार्केट वाला एलोवेरा जेल नहीं लेना है, आपको क्या करना है, जो पेड़ वाला एलोवेरा जेल आता है ना उसको लेना है। थोड़ी सी क्वांटिटी में लेके आपको उसको अपनी आईब्रो के ऊपर लगाना है और ये आपको डेली करना है। आप एक महीने तक ये डेली कीजिए। आप सुबह लगा लीजिए, एक दो घंटे बाद छटा दीजिए, या फिर आप रात में लगा कर उसको सूख जाता है वो, उसको सो जाइए और सुबह उठ के आप अपना मुँह धो लीजिए। ये आपको लगाना है एक महीने तक और उसमें आप देखेंगे आपके बाल जो हैं, आपके जो आईब्रोज़ के हेयर होते हैं ना, वो बहुत जल्दी ग्रो करने लगेंगे। और आप फिर जैसी शेप में चाहते हैं फिर अपने आईब्रो को बनवा लीजिए और आपकी आईब्रो अच्छे से शेप में आ जाएंगी। सेकेंड टिप ये है मेरा कि आप जब भी कहीं बाहर जाते हैं ना, आईब्रो पेंसिल का ज़रूर यूज़ कीजिए। आप इसको डेली मत यूज़ कीजिए क्योंकि उसमें केमिकल्स होते हैं, आपकी आईब्रो शेप करने में थोड़ा आपको हेल्प नहीं करती। लेकिन आप जब भी बाहर कहीं जा रहे हैं आप आईब्रो पेंसिल का ज़रूर यूज़ कीजिए। लेकिन आईब्रो पेंसिल आपको कोई भी लोकल कंपनी की नहीं लेनी है, आपको एक अच्छी कंपनी की आईब्रो पेंसिल लेनी है, वरना उसमें भी कुछ केमिकल्स होते हैं जो हमारी जो यहाँ की हेयर ग्रोथ थी ना उसको हम रोकने में वो करती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको सबसे ज़्यादा पानी पीना है। पानी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप पानी लीजिए और इसको भरपूर मात्रा में पीजिए, आपकी आईब्रोज बढ़ेंगी। तो इतने अच्छे आइडिया दिए आपके भाई, लाइक तो बनता है ना। प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़। बाय एवरीवन।